दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे स्टूडियो में। साथ ही हम लाए आपके लिए एक और नई वीडियो। तो गाइस, आज हम आपको एक जुगाड़ वाला आइटम बनाकर दिखाने वाले हैं। तो जुगाड़ वाला आइटम कैसा रहेगा हम आपको बता देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। और ये जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही काम देने वाली चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ और हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम खिड़की चढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो खिड़की चढ़ाने वाले हैं तो आपको बता देंगे खिड़की क्या चढ़ेगी। लेकिन इससे पहले क्या करना होता है, इसका जो फ्रेम आप देख रहे हैं सामने में, ये फ्रेम को हमें हैंग करना होता है। और हैंग कैसे करना होता है, इसके बाहर जो सुराख होते हैं, ठीक है, ये देखिए ये सुराख होते हैं, इन सुराखों में बोल्ट डालना पड़ता है। अब बोल्ट डालने के लिए हमें एक तरफ से सुराख करके, पहले हमें एक तरफ से सुराख करना होगा इस तरफ से, वो जो पीछे लकड़ी लगी हुई है उसमें, और उसके बाद हमको यहाँ भी सुराख करना है। तो करना कैसे है, इसका जो बिट होगा वो काफ़ी लंबा चाहिए, यानी कि 6 इंच कम से कम लंबा चाहिए। और लंबा बिट हम लोग बनाने वाले हैं, तो इसका लंबा बिट हम बनाएंगे और ये देसी जुगाड़ होगा, देसी जुगाड़ के थ्रू हम ये लंबा बिट बनाने वाले हैं। तो इसमें सुराख भी करके दिखाएंगे वो सुराख किस तरीके से करता है। तो चलिए बने रहिए और आपको दिखा दें। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे पास एक सरिया है जो कि लोहे का टुकड़ा है, लोहे की सरिया है, लेंटर पर काम आने वाली। अब इस सरिये से हम बनाएंगे एक 7 इंची या 6 इंची का, लगभग 7 इंची का हम जो है एक बिट बनाने वाले हैं। तो चलिए, और बिट बनाने का जो तरीका है वो देखते रहिए किस तरीके से मैं बनाता हूँ। गाइस देखिए, ये बनके तैयार हो चुका है। ये मैंने 7 इंची बनाया है और हम इसे चेक कर लेंगे इजीली। हमारा जो है ये सुराख जो होता है ये वाला, इस सुराख में जाना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम अगर 3 इंची की लकड़ी इधर लगाएंगे और 3 इंची की इधर लगाते हैं तो 6 इंची का बिट, यानी 1 इंची हम जो मशीन में अंदर चला जाएगा, और 6 इंची का सुराख आपको करना है तो ईजिली आप जो है 6 इंची का सुराख कर सकते हैं। तो ये सरिया से बनाया हुआ बिट है और आपको बताना है दोस्तों ये बिट आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों ये बिट आपको अच्छा लगा, मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मैं इसे सुराख भी करके दिखाने वाला हूँ आपको कि सुराख कैसे किया जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से हम लोग इसमें कट मार लेंगे जैसे बुरादा आपका बाहर निकल जाए। देखिए इस तरीके से हमने कट मार रखा है, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सुराख कर रहा हूँ मैं, पहले इसको यहाँ से सुराख में लगा देते हैं। देखिए एक सुराख मैंने कर दिया है, अभी क्या करना है कि इसके ऊपर फ्रेम लगा के उधर से भी सुराख करना है। तो दोनों सुराख हम कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं आपको। तो गाइस ये देखिए, फ्रेम रख दिया है, एक सुराख हो चुका है।
अब मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, अंदर की तरफ से दोनों में सुराख करूंगा। ये लंबा बेट इसीलिए हमने बनाया था कि दोनों में बराबर से मतलब सुराख हो सके, जिससे कि बोल्ट डालने में दिक्कत नहीं हो आपको। दोस्तों देखिए ये हमने सुराख कर दिया, हर पर सुराख हो चुका है। और ये देखिए हम इसको लगा देंगे, तो ये भी ये बोल्ट लग जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने ये यहाँ पे लगा दिया है, बहुत बहुत इजीली गया है, इसमें जो फंसने का भी डर नहीं है, क्योंकि हमने बिट को उसी प्रकार चौड़ा किया। कभी क्या होता है कि मोटरसाइकिल की तांत जो होती है ना, तांत सरिया बोलते हैं, मोटरसाइकिल का मरगाडर होता है उसमें बनाते हैं, या साइकिल की जो मरगाडर होता है उसके तार से बनाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या फंसता है, दिक्कत होती है लगाने में, काफ़ी ज़्यादा चोट वोट मारनी पड़ती है। ये सरिया का बनाया है मैंने, 8 mm की सरिया है दोस्तों, 8 mm की सरिया मैं थोड़ा सा घिस ली थी, घिसने के बाद इसको बना दिया। और इजीली देखिए कितना इजी तरीके से अंदर जा रहा है, तो उधर की तरफ से मैं डिब्री को भी कस लेंगे। देखिए दोस्तों काफ़ी इजीली तरीके से आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे कस लेंगे। तो गाइस ये देखिए, ये रिंच से आप कस सकते हैं, रिंच से इसे कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा जो है बिट जो तैयार है, और बिट में हमने कट लगा रखे हैं, जैसे बुरादा हल्का था बाहर निकलता रहे, ठीक है। बिट में कटे हैं और बुरादा जो है निकलता रहे। तो आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक भी गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।